हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आदर्श कोचिंग क्लास आपका स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय के अध्याय 3 का यह पहला भाग। चलिए आइए देखते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है। तो दोस्तों, इसका जवाब है जवाहरलाल नेहरू। यानी बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ओके, दूसरा वीडियो देखते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों, गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला हमारा प्रश्न कि जल विद्युत किसे कहते हैं। जल विद्युत किसे कहते हैं। तो दोस्तों, गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से, गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जिस विद्युत का उत्पादन किया जाता है या जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे जल विद्युत कहते हैं। यानी बहते हुए जल या गिरते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जिस विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसे जल विद्युत कहते हैं। है ना, गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिएगा। टिहरी बांध कहां और किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध कहां और किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड राज्य में है। कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में। तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में है और भागीरथी नदी पर है। तो टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। नवीकरण स्रोत किसे कहते हैं। नवीकरण स्रोत किसे कहते हैं। तो जिन स्रोतों का पुनः भरण होता है, यानी जिन स्रोतों को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं उन्हें नवीकरण स्रोत कहते हैं। यानी ऐसे स्रोत जिन्हें हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं उन्हें नवीकरण स्रोत कहते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।